हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे। मैं भी बहुत मज़े में हूँ। और आईलाइनर लगाना हर लड़की को पसंद है, हर लड़की चाहती है आईलाइनर लगाना, लेकिन बहुत सारे लड़की ऐसी होती हैं जिनसे आईलाइनर बिल्कुल नहीं लगाया जाता। किसी की आंखें ऐसे ऐसे होती रहती हैं, किसी का आईलाइनर हमेशा फैल जाता है। किसी को विंग बनाना पसंद है, बट वो परफेक्ट विंग जो है वो हमेशा सबसे नहीं बन पाता। तो आज एक ऐसा हैक बताने वाली हूँ, एक ऐसा हैक ट्राई करने वाली हूँ जो आप बहुत ईजीली करके एक बहुत ही परफेक्ट विंग ड्रॉ कर सकते हैं और आईलाइनर बहुत आराम से लगा सकते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ सदफ, मैं बनाती हूँ इस चैनल पे मेकअप एंड ब्यूटी वीडियोज और करती हूँ प्रोडक्ट के रिव्यूज। अगर आपको इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब एक परफेक्ट विंग आईलाइनर ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए आईलाइनर, ऑफ कोर्स वो तो चाहिए ही। अब चाहे तो आप लिक्विड आईलाइनर ले सकती हैं या फिर स्केच आईलाइनर होता है वो यूज कर सकती हैं। अब विंग ड्रॉ करने के लिए मैं ड्रॉ करने वाली हूँ विंग इस पिन से। ये एक बॉबी पिन है जो कि हर किसी के पास होता है, हेयर स्टाइलिंग में यूज़ होती है, कहीं भी बहुत इजीली अवेलेबल है। ये एक पिन से हम बहुत परफेक्ट विंग ड्रॉ करेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे इसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बॉबी पिन पे जो इसका ये आउटर कॉर्नर है, ये जो इसका आउटर कॉर्नर है, यहाँ पे आपको आईलाइनर लगा लेना है हल्का हल्का। अब मैं इसे, या तो आप चाहें तो ऐसे डायरेक्टली लगा सकती हैं, मैं इसे ऐसे डायरेक्टली लगा रही हूँ, या फिर आप चाहें तो इसे अपने पहले हाथ पे लगाइए और उसे ऐसे टच करके इस विंग पे अप्लाई कर लीजिए। अब क्या करना है, देखिए इसका शेप जो है एक परफेक्ट विंग की तरह होता है। अब आपको इस पिन को क्या करना है, इस तरह रखना है और ऐसे टच करके हटा लेना है। अब देखिए ये एक विंग की तरह बन गया है। अब इसी विंग को आपको ड्रॉ कर लेना है। अब मैं आईलाइनर लेके इस विंग को अच्छे से ड्रॉ कर लूंगी। इसे अच्छे से फिल कर लेना है, और जैसे हम बीच में आईलाइनर अप्लाई करते हैं उसी तरह आपको पूरी आई पे अप्लाई कर लेना है। अब देखिए ये कितना परफेक्ट विंग ड्रॉ हो गया है, और इसी तरीके से आप अपनी दोनों आईज पे विंग आईलाइनर ड्रॉ कर सकती हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।